इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस हमें जो एंड बी टू फंक्शंस गिवन होंगे हमारे पास जो कि फंक्शंस होंगे एक्स वाई जेड के सो so हमें उनमें से बेसिकली एफ को एलिमिनेट करना है जो एफ फंक्शन होगा उसे रिमूव करना होगा हमें लेट यू and v be the u and v be two functions of x y and z which are connected by a relation f of u comma v equal to 0. So, where f is any arbitrary function where f is any arbitrary function. सो so, बेसिकली हमारे पास अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इस केस में सल्यूशन गिवन होगा सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें गिवन होगा राइट दैट इज एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो यू एंड वी आर यू एंड वी आर सम टू सरफेसिज लाइक यू इक्वल टू सी वन एंड वी इक्वल टू सी टू ये हमारे पास कोई दो सरफेस गिवन होंगे और ये सलूशन होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें फाइंड करना होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अगले कुछ एक्सरसाइज होंगे उनमें हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी बेसिकली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस इक्वल टू आर इस फॉर्म में होगी हमें उसका सोल्यूशन होगा उसका सोल्यूशन हमारे पास पास एंड सो फाइनली वो हमारे पास F of U, v 0. इस फॉर्म में हम हम उस सोल्यूशन को लिखते हैं सो so, अभी गिवन एक्सरसाइज में हमारे पास दो फंक्शन हो गए हमें एफ को एलिमिनेट करने और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास ये रिलेशन गिवन है से दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन अगर हम डिफरेंशियट करें इक्वेशन नंबर वन को डिफरेंशियट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट दैट कर्ल एफ अपॉन कर्ल यू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर यू बाय कर्ल जेड एंड कर जेड बाय करल एक्स दैट कैन बी रिटनाइज बी प्लस कर लेफ बाई कर वी कर वी वाई करल एक्स प्लस कर वी वाई करल जेड इंटू पी इक्वल टू जीरो सिमिलरली अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास होगा कर लेफ अपॉन कर लू इक्वल टू कर लू बाय करल वाई प्लस कर लू बाय करल जेड इन टू क्यू प्लस कर लेफ बाय करल करल वी वाई करल वाई प्लस कर वी वाई करल जेड इंटू क्यू इक्वल टू जीरो सो ये इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर थ्री है हमारे पास अगर हमें एफ को एलिमिनेट करना है इन इक्वेश को लिखा जा सकता है लाइक करल एफ अपॉन करल यू इंटू करल यू बाय करल एक्स प्लस करल यू बाई करल जेड पी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स कर लैफ अपॉन करल वी कर वी अपॉन करल एक्स प्लस करल अपॉन करल जेड इन टू पी सिमिलरली इक्वेशन थ्री को हम लिख सकते हैं लाइक कर एफ अपॉन करल यू कर यू बाय करल वाई प्लस कर लू बाय करल जेड इंटू क्यू इक्वल टू माइनस कर लफ अपॉन करल वी कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड इन टू क्यू अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इन दोनों को इन दोनों को डिवाइड करें सो हमारे पास मिलेगा ये दोनों एक्सप्रे डिवाइड करेंगे जैसे अगर इक्वेशन फोर को इक्वेशन फाइव से डिवाइड करें तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे सो हमारे पास बचेगा कर्ल यू बाई करल एक्स प्लस कर्ल यू बाय करल जेड पी अपॉन कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू क्यू इक्वल टू कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड पी डिवाइडेड बाय कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड क्यू राइट इनको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी वो बेसिकली कैपिटल पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर इस फॉर्म में हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी और हमारे पास जो एफ हमें एलिमिनेट करना था वो एलिमिनेट हो चुके हैं so, सो ये प्रोसेस है अगर हम इसे शॉर्ट एक और तरीके से देखने के लिए से आपके पास मान लेते हैं कि एफ ओफ यू कोमा वी इक्वल टू जीरो गिवन है हमें पता है कि हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा इस फॉर्म में पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर कैपिटल पी की वैल्यू क्या होगी कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी सो कैपिटल पी हमारे पास होगा कर्ल यू कॉमा वी कर्ल वाई कॉमा जेड ये जैकोबिन कंसीडर किया जा सकते हैं या डिटर्मिनेंट कंसीडर किया जा सकते हैं लाइक like क्यू क्या होगा कर्ल यू कॉमा वी करल जेड कॉमा एक्स और ये वाला एलिमेंट क्या होगा so, कर यू कोमा वी अपॉन कर्ल एक्स कोमा वाई सो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक टू बाई टू की मैट्रिक्स है कर यू बाय करल वाई कर यू बाय करल जेड कर्ल वी अपॉन करल वाई और कर वी अपॉन कर्ल जेड और इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि कर यू बाय करल जेड कर यू अपॉन करल एक्स करल वी अपॉन कर्ल जेड और करल वी अपॉन कर्ल एक्स सिमिलरली आर के इसमें ये एक्सप्रेशन क्या होगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई और कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई जैसे ऊपर हमने ये किया कि इसे डिफ्रेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट ये बेसिकली ये सेम एक्सप्रेशन ही बनेगा जब आप इनके डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो हम इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमने सिर्फ ये तीन डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए और यहाँ से जो भी P की Q की R की वैल्यू आएगी वो हमने इसमें सब्सटीच्यूट कर दी और जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ठीक है तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास कि जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशियट करें पार्शियली डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या मिलेगा सो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई सिमिलरली अगर हम इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू तो वाई तो हमारे पास क्या मिलेगा कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई इसे लिखा जा सकते हैं p इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई एंड इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है q इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा पी एपॉन क्यू इक्वल टू वन एंड पी इक्वल टू क्यू ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर टू लाइक इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है जेड इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर अगर हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग

2y. अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर दें तो हमारे पास बनेगा p अपॉन q इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई नेगेटिव टाइम्स एफ डैश एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्र इंटू टू वाई ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा टू से टू कैंसिल, सो p अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई सो इसे लिखा जा सकते हैं पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फंक्शन के कोस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करते हैं हम जिसमें हमारे पास गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर राइट सो हमें ये गिवन है एफ इट इज एफ ओनली हमें गिवन है, है. So, है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वेर हमें इसमें से एफ को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है सो सबसे पहला स्टेप है कि पार्शियली डिफरेंशियटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी कैट तो अगर पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास बनेगा वन वाई का डेरेवेटिव जीरो जेड का डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी होगा और इस तरफ होगा हमारे पास एफ डैश एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्र का डेरेवेटिव होगा टू एक्स और जेड स्क्वेयर का होगा टू जेड इंटू पी सिमिलरली अगर हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमें हमें मिलेगा वन प्लस क्यू इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर टू वाई प्लस टू जेड क्यू सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास कैंसल हो जाएगा एफ डैश वाला सो so, डिवाइडिंग से इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री वी गेट वन प्लस पी डिवाइडेड बाय वन प्लस क्यू इक्वल टू डिवाइड करने के बाद ये वाला फैक्टर बनेगा एक्स प्लस जेड पी डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड क्यू अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं सो वन प्लस पी टाइम्स वाई प्लस जेड क्यू एंड वन प्लस क्यू टाइम्स एक्स प्लस जेड पी ये हमारे पास बनेगा वाई प्लस जेड क्यू प्लस पी वाई प्लस पी जेड क्यू इक्वल टू एक्स प्लस सो एक्स प्लस पी जेड प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू जेड So, ये फैक्टर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से तो हम इसे लिख सकते हैं y माइनस जेड टू पी 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 कॉमन निकाल लिया प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है रिले, रिलेशन हमने अभी किया था कि अगर हमारे पास आ, से एफ ओ फू कॉमा वी इक्वल टू जीरो गिवन हो उस केस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे